ओके, सो इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने कल 2D मोशन में पहला मोशन का टाइप प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था, और कुछ बेसिक टर्म्स हमने डिफाइन की है, जैसे व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। सो एनी बॉडी विच इज थ्रोन इन एयर इन एनी डायरेक्शन मेकिंग सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल एंड इट इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, दैट ऑब्जेक्ट यू हैव थ्रोन इन एयर इन एनी डायरेक्शन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल मूविंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल। देन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब अब ऑब्जेक्ट अपने आप तो ऊपर जाएगा नहीं, थ्रो किया मतलब आपने इनिशियल वेलोसिटी दिया, उस इनिशियल वेलोसिटी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। फिर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, सो एज यू नो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है यू बार, इसने जो एंगल बनाया विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल उसको बोलते हो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल इज नोन एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। देन ट्रैजेक्टरी, अब उस ऑब्जेक्ट को आपने एयर में थ्रो किया तो वो ऑब्जेक्ट एक पाथ फॉलो करेगा। सो यू कैन सी द पाथ ओवर हियर, सो द ऑब्जेक्ट विल फॉलो अ सर्टेन पाथ, उस पाथ को हम लोग बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। सिंपल, नो ट्रेजेक्टरी क्या था, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इन एयर इज कॉल्ड एज ट्रेजेक्टरी। देन वी सॉ ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट मोशंस। टू डिफरेंट क्यों, क्योंकि वो मोशन टू डायमेंशनल है, इट इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एक्स वाई प्लेन। सो द मोशन इटसेल्फ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस, वन अलोंग वर्टिकल एंड अदर अलोंग हॉरिजॉन्टल, एक वाई एक्सिस का मोशन एक एक्स एक्सिस का मोशन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स, एक है वर्टिकल, वर्टिकल इज विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी, ग्रेविटी कहाँ है, नीचे की डायरेक्शन में, नीचे का डायरेक्शन मतलब वर्टिकल बट नेगेटिव वर्टिकल। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है उस पे ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, और ग्रेविटी एक्ट होना मतलब देर इज एक्सेलरेशन। आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो यस देर इज एक्सेलरेशन बट नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या, वेलोसिटी कम होते जाएगा। तो ये जो मोशन की हम बात कर रहे हैं इसके दो कंपोनेंट है, एक है वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल जब मैं बोलता हूं तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वर्टिकल मतलब प्लस एक्स या फिर माइनस एक्स, तो एक है वर्टिकल कंपोनेंट। ये जो वर्टिकल मोशन है मतलब अलोंग वाई जो मोशन है वो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के साथ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स है डाउनवर्ड्स, वहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉन्स्टेंट, इसलिए वर्टिकल मोशन इज विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। और इसका दूसरा पार्ट है, अब कभी कभी होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है इमेजिन करना, इसलिए कल मैंने वो ऑब्जेक्ट ऐसा थ्रो करके बताया था। सी द आइडिया हियर इज वेरी सिंपल, अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ वर्टिकल जा रहा है तो क्या होगा, एक पॉइंट से ऊपर जाएगा और वापस उसी पॉइंट पे नीचे आएगा। तो इस केस में एक ही कंपोनेंट है, कौन सा, वर्टिकल, राइट। अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा होता तो इट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, राइट। ये ऊपर गया क्या, नहीं, इट इज मूविंग ओनली अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो इसमें एक ही कंपोनेंट है, कौन सा एक कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, कौन सा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल मतलब ऐसा, वाई कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल मतलब समथिंग लाइक दिस, राइट। तो एनी ऑब्जेक्ट गोइंग अप एंड कमिंग बैक टू द सेम प्लेस विदाउट गोइंग फॉरवर्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एज वर्टिकल मोशन। एनी मोशन ओनली अलोंग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इमेजिन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। पर जब प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो क्या था, मतलब वर्टिकल भी था और हॉरिजॉन्टल भी था। तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ
two components, vertical with constant acceleration, vertical constant acceleration के साथ, इसके लिए क्योंकि gravity है, we can't help it. हम object को ऊपर फेंकेंगे तो gravity act होने ही वाला है. तो horizontal motion is with constant velocity. ये भी याद रखो, object जब भी ऊपर जा रहा है उस पर force act होगा. क्यों? क्योंकि gravity. Gravity is downwards, right? तो वो motion accelerated होगा because of the gravity. And horizontal motion is with constant velocity क्योंकि x direction में कोई force था नहीं. तो अगर कोई force नहीं है, तो force नहीं है तो acceleration नहीं है, और अगर acceleration नहीं है तो फिर velocity constant होता है. तो दो components से बना है ये projectile motion, along x and along y, along vertical and along horizontal. Good. So this is what we have written here. अब if you remember, हम जो projectile motion का study करने वाले हैं, it is under four assumptions. Number one, air होगा, लेकिन air का resistance हम लोग neglect करने वाले हैं. Number two, variation of acceleration due to gravity will be neglected. मतलब acceleration due to gravity will be taken to be constant everywhere. At any point, acceleration of due to gravity will be taken to be constant. ऐसा कब होता है? जब height, maximum height of the projectile is very, very small compared to radius of the earth. आप gravitation में सीखोगे कि जैसे ही आप बहुत जगह पे use करते ना g की value. What is value of g? 9.8. This is actually not correct. क्योंकि value of g changes as you go above the surface of earth, as you go below the surface of earth, as you move on the surface of earth, it also changes. तो ये जो 9.8 जो है, ये पोल की वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ जी एट द पोल्स ऑफ द अर्थ. गुड. तो हम कांस्टेंट यहाँ पे इसलिए मानते हैं क्योंकि हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट एयर में तो गया, लेकिन उसका हाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ. एग्जाम्पल, आप खुद भी क्रिकेट खेलते होंगे, यू हिट अ सिक्स, कितना ही ऊपर जाएगा ऑब्जेक्ट? फ्यू मीटर्स ना, 20 feet, 30 feet, 40 feet, मतलब 8 meter, 10 meter, so on so forth, right? So variation of g with height will be neglected here. ये तब होता है जब height of the projectile is very small compared to radius of earth. Then rotation of earth is to be neglected. क्योंकि हमने एक point से projectile को fire किया, हमारा target था कि projectile b point पे जाके गिरे, लेकिन अर्थ रोटेट हो गया. अर्थ रोटेट हुआ तो बी पॉइंट या तो टूवर्ड्स आ जाएगा या तो अवे जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. वो भी कब होता है? व्हेन द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज वेरी वेरी लार्ज. तो हम इस केस में रोटेशन ऑफ अर्थ को निग्लेक्ट करेंगे क्योंकि हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन सीख रहे हैं यहाँ पे, it is assumed that the range is very very small compared to radius of earth. So yahan pe earth ka rotation ka bhi koi effect humko lena nahi hai. Last is the only force acting on the projectile is gravitational force. There is no other force, only gravitational force of earth, that's it. Good. To agar aapko itna basics pata hai, so now you can talk about derivation of equation of path of a projectile. Ab, as you know, ये था x axis, ये था y axis. और आपको याद होगा मैंने बताया था जहां से object start होगा move होना उसको origin मान लेंगे. तो ये point जहां से object ने motion start किया उसको बोल देंगे ओरिजिन. देन ऑफकोर्स यू शुड रिमेम्बर यहां पे एक वेलोसिटी देना पड़ेगा. तो देयर इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू बार, इनिशियल वेलोसिटी यू बार, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इसने जो एंगल बनाया दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा. देन द ऑब्जेक्ट विल मूव समथिंग लाइक दिस. और मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले क्या करोगे, ये जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है इसके करोगे कंपोनेंट्स. एक कंपोनेंट जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, एक जाएगा अलोंग वाई एक्सिस. अलोंग एक्स एक्सिस जो जाएगा वो एडजेसेंट है, इसके लिए ये है यू कॉस थीटा, और
अलॉन्ग वर्टिकल वाई एक्सिस जो आएगा वो है यू साइन थीटा। एंड ऑफकोर्स यू नो जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल अपने पाथ में आगे जा रहा है तो एज इट इज मूविंग अहेड वैसे वैसे उसका वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कम होता जाएगा। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी उसको अपोज करेगा, दैट इज वाई वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बिकॉज देयर इज फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट इन द एक्स डायरेक्शन देयर इज नो फोर्स, इसके लिए ये कंपोनेंट रहेगा सेम, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी द केस एवरी टाइम, हर जगह पे एक्स कंपोनेंट है सेम, एवरीवेयर एक्स कंपोनेंट इज सेम, ओनली थिंग इज कि वाई कंपोनेंट इज चेंजिंग। तो एट द मैक्सिमम हाइट, अब मैक्सिमम हाइट को मैं बी पॉइंट बोल देता हूं, मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट हो गया जीरो, ओ से जब स्टार्ट हुआ था तो वेलोसिटी था यू साइन थीटा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है यू साइन थीटा कम होता जा रहा है, मतलब वाई कंपोनेंट कम होता जा रहा है, एक्स कंपोनेंट फिक्स है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, अगर फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज होता नहीं, राइट। तो एवरीवेयर यू कॉस थीटा इज द सेम, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट मैक्सिमम हाइट इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट बिकम्स जीरो। अब जब वो बी से नीचे की तरफ आना शुरू करेगा तो वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन विल अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग बट विथ ओनली चेंज एंड दैट इज डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज नाउ रिवर्स्ड, वेलोसिटी वापस इंक्रीज होना चालू हो गया बट सिर्फ इतना ही है कि डायरेक्शन हो गया उल्टा, और जब सी पॉइंट पे पहुंचेगा तो वापस से वेलोसिटी हो जाएगा यू साइन थीटा ओनली विथ डायरेक्शन रिवर्स्ड, राइट। हमको करना क्या है, ये जो पाथ, ये जो व्हाइट लाइन दिख रही है, ये जो पाथ इस प्रोजेक्टाइल ने फॉलो किया है उसका इक्वेशन बनाना है, एंड ऑब्वियसली मोशन क्या है टू डायमेंशनल, और क्या क्या इन्वॉल्व है, देखो टू डायमेंशन मतलब एक्स और वाई, मतलब जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वाई भी चेंज होगा, और क्या इन्वॉल्व है यू, और क्या इन्वॉल्व है जी स्मॉल जी, और क्या इन्वॉल्व है थीटा। तो आपको एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसमें y का रिलेशन हो x के साथ, y बिकॉज ऑफ कोर्स हाउ मेनी ऑफ यू नो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, हाउ मेनी ऑफ यू नो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, नहीं पता, सबको पता है, याद नहीं आ रहा है, गुड, तो याद दिला देता हूं। क्या होता है बेसिकली इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, मान लो ये रेडियस है r, imagine you have a particle performing circular motion, it is at point p at some instant of time, aur uske coordinates hai x comma y, right, humko chahiye equation of circle, fir aap bolte ho ki dusra point origin hai, maan lo dusra point hai origin 0 comma 0, right, what is distance formula, if I want to find out op, yes, what is distance formula, and under root of yes x2 minus x1 square, x2 is x, x1 is 0, so x minus 0 square is x square plus y minus 0 square is y square, but ye op tha radius, radius tha na, so r equal to under root of x square plus y square, squaring on both sides, so r square equal to x square plus, ye hai equation of circle। तो देखो क्योंकि ये टू डायमेंशनल मोशन था तो x का रिलेशन y के साथ आना चाहिए था, है क्या x square plus y square equal to r square, तो that is what I am telling you, ये जो मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2D मोशन है, मतलब x भी चेंज हो रहा है y भी चेंज हो रहा है, तो हमको y as a function of x, y equal to something x ऐसा बनाना है, this is what you need to know। कभी भी कोई भी डेरिवेशन चालू करने से पहले एक सिंपल सा काम करना, जो जो पैरामीटर इन्वॉल्व है वो पहले डिस्क्राइब कर दो। सबसे पहले तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी यू एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, सो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड विथ
projected with initial velocity, u bar at an angle theta with the horizontal. At an angle theta with the horizontal. Okay, ये पहले पता होना चाहिए. Then you have to explain कि components हमने क्यों किए. तो पहले components बता दो. So let us split initial velocity into two components. इसमें से पहला कंपोनेंट है आपका यू एक्स विच इज यू कॉस थीटा, दूसरा है यू वाई विच इज यू साइन थीटा, राइट. अब आपको एक्सप्लेन करना है कि जब ये पार्टिकल अपना पाथ फॉलो करेगा, जब वो मोशन में होगा, तब क्या चेंज हो रहा है और क्या चेंज नहीं हो रहा है वो एक्सप्लेन करना है. सो एज द प्रोजेक्टाइल इज मूविंग, ux मतलब u cos theta remains constant. U constant रहा since there is no force along x axis, right? Then about y, but y component of velocity goes on decreasing and becomes zero at maximum height, that is at point B. हमने maximum height को point B बोला है, at point B. And then the object starts coming down with increasing velocity with its direction reversed, क्योंकि velocity का direction उल्टा हो गया, with its direction reversed. हमने already show किया है, velocity कम होते गया zero, फिर बढ़ते गया लेकिन reverse direction में, उल्टे direction में. Okay, and when the object reaches point C, matlab ground, wapis se C pe aa gaya, matlab land ho gaya wo. When the object reaches point C, its velocity is again kitna, u sin theta, but with direction reversed. Okay, तो पहले तो आपको सिचुएशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और इट्स नॉट डिफिकल्ट, जो समझा है वो प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना है, दैट्स इट. अब हमें चाहिए इक्वेशन. कहां पे इक्वेशन है? कुछ भी नहीं आया अभी तक, तो हम बनाते हैं पहले इक्वेशन. सो लेट अस मेक इक्वेशन. अब देखो ऐसा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर हो रहा है और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर हो रहा है थ्रू द मोशन. तो ऑफ कोर्स अगर आपको याद होगा, हमने 2D मोशन को 2 1D मोशन में ट्रीट किया था, और हमने s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at² को, sx इक्वल टू uxt प्लस 1/2 axt², और sy इक्वल टू uyt प्लस 1/2 ayt² में स्प्लिट किया था. तो अब splitting this motion into two components
तो यू विल हैव एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस वन हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, बट एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेशन भी नहीं होगा, बट ए एक्स इक्वल टू जीरो सिंस फोर्स अलोंग एक्स एफ एक्स इज जीरो. फोर्स नहीं तो एक्सेशन नहीं, बिकॉज फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. गुड. देयरफॉर एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी. ये जो एस एक्स है इसको मैं बोल देता हूं एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन है इसलिए एक्स, और ये है आपका यू कॉस थीटा है. ये यू कॉस थीटा हमने पहले ही बोल के रखा है, ये यू कॉस थीटा है. देयरफॉर टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा इक्वेशन नंबर वन. हमें करना क्या था, हमें करना था वाई का और एक्स का रिलेशन बनाना है, वाई और एक्स का इक्वेशन बनाना है. अभी तक हम सिर्फ टाइम को ला पाए इन टर्म्स ऑफ एक्स. तो जैसे आपने एक्स कंपोनेंट किया है इस इक्वेशन का, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का, वैसे ही आप वाई कंपोनेंट करोगे. तो यू कैन से ऑल्सो यू वाई इक्वल टू सॉरी एस वाई इक्वल टू एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस वन हाफ ए वाई टी स्क्वेयर. यू वाई मतलब y, तो y एस वाई सॉरी डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y इज y, और यू वाई क्या था, u साइन थीटा इंटू टी माइनस q. थिंक जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी जाना है, मतलब उसका डी एक्सेलरेशन होगा, उसका वेलोसिटी कम होता जाएगा बिकॉज इट इज मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी. तो ए वाई की जगह पे क्या लिखोगे, माइनस जी नॉट प्लस जी, तो आप लिखोगे माइनस जी टी स्क्वायर. और यहाँ पे मेंशन कर देना सिंस ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी because the object is going against gravity, अब इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर टू. हमें क्या करना था, वाई और एक्स का रिलेशन चाहिए. यहां पे वाई किस पे डिपेंड करता है, टी पे, और टी किस पे डिपेंड करता है. हाँ, तो क्या करेंगे इक्वेशन वन इक्वेशन टू में सब्स्टिट्यूट. तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर वन इन इक्वेशन नंबर टू, देयरफॉर y इक्वल टू u साइन थीटा, और t था x अपॉन u cos थीटा. कैंसल और कैंसल, माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर. टी है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वेयर. गुड. देन व्हाट इज साइन अपॉन कॉस, टैन. तो वाई इक्वल टू एक्स टैन थीटा, क्योंकि यहां पे एक्स है तो टैन थीटा आ गया बाद में. माइनस हाफ जी x square upon u square cos square theta, क्योंकि यहाँ पे x upon u cos theta whole square था, तो x square upon u square cos square theta आएगा. x square upon u square cos square theta आएगा here. Okay? तो now again, what do you notice? इस पूरे के पूरे equation में theta is constant, क्योंकि वो तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है. एक बार आपने बॉल फेंक दिया तो फेंक दिया, उसको नहीं बोला कि वापस आ मुझे चेंज करना है, यू कैन नॉट चेंज इट. क्रिकेटर ने मार दिया तो मार दिया, अरे मार तो दिया, अभी कैच आउट होने लगा, नहीं तो वापस आ मुझे एंगल चेंज करना है, ऐसा होता है क्या? तो थीटा इज कॉन्स्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, वंस यू हिट अ बॉल यू हिट अ बॉल, डन, यू कैन नॉट चेंज. जी इज कॉन्स्टेंट, आप बोल तो नहीं सकते ना अर्थ को अपने वैल्यू चेंज करो जी का, यू कैन नॉट डू दैट. ओके, सो दिस इज कांस्टेंट. तो क्या क्या कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट मतलब टैन थीटा कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, यू कांस्टेंट, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज कांस्टेंट. तो हम ऐसा बोल सकते हैं, लेट
tan theta, which is a constant, is equal to something called as alpha. And ये पूरा का पूरा g 2 u square cos square theta g upon 2 u square cos square theta equal to beta constant, because since u g theta are all constants. So मैंने constants, by the way, what is 2 into 2 4, what is 2 into 3, मतलब 2 constant multiplied by 3 constant is another constant, right? What is 6 upon 2 3, another constant. So constant upon constant is a constant. इसके लिए मैंने पूरा constant term हटा के लिख दिया सिर्फ beta. हमें equation को simple करना था. और दूसरी बात यह भी है कि of course आपको पता होना चाहिए, आपने बहुत सारे टाइप के ग्राफ सीखे, स्ट्रेट लाइन, इलिप्स, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला. तो आप एक बार यहाँ पे क्या है, कुछ ज्यादा ही टर्म समझ में नहीं आएगा कौन सा इक्वेशन है. दैट इज वाई थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसलिए मैंने ये अल्फा और इसको बीटा बोला है. देयरफॉर वाई इज इक्वल टू टैन की जगह पे अल्फा, तो अल्फा एक्स माइनस जी यू जी टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज बीटा, तो बीटा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर. अब कुछ समझ में आ रहा है, अरे इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है. डू यू नो इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला? नहीं, तो इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला पता होना चाहिए. ऐसा है, पैराबोला अगर आप देखोगे तो इट इज समथिंग लाइक दिस, राइट? उसका वर्टेक्स कहां पे है? ओरिजिन पे. तो ऐसे केसेस में मैं एग्जैक्ट इक्वेशन में नहीं जा रहा हूं, अदरवाइज यू विल से कि मैंने बताया. हाँ मैंने बताया, बट मैं रफ रफ बता रहा हूँ, बिकॉज अभी इतना डिटेल मैथमेटिक्स में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंपेयर करना है. ऐसे टाइप ऑफ पैराबोला में आप लिख सकते हो y इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस प्लस समथिंग बीटा एक्स स्क्वायर, नहीं तो फिर ठीक है थोड़ा डिटेल बता ही देता हूँ. डजंट मैटर, यू सी काम में आएगा आगे मैथमेटिक्स, और फिजिक्स में तो लगने ही वाला है, तो पता होना ही चाहिए. Even if you have maths or you don't have maths, लगने वाला है. तो by the way, there's a family of parabolas. एक होता है ऐसा, दूसरा होता है ऐसा, okay? और by the way, imagination. You will write y equal to 4ax square, y equal to minus 4ax square, x equal to 4ay square, or x equal to minus 4ay square. अब ये एक, ये दूसरा, और दो है. This one. And of course, और एक है this one, right? अभी कौन सा equation? How do you know which one? कौन सा equation कहाँ use करोगे? नहीं पता. That is why I told you कि थोड़ा सा पता होना चाहिए, थोड़ा सा. Well, if you see, थोड़ा imagination, इसको side में कर देते हैं. इसको साइड में कर देते हैं, बाद में इसको उठा के वापस रख देंगे जगह पे. ये एक्स जैसा दिखता है क्या? यस, गुड, दिखता है. तो मुझे बताओ, 2 या फिर 2 raised to 1 में कोई डिफरेंस है? नहीं. तो एक्स और एक्स रेस्ट टू 1 में कोई डिफरेंस है? हाँ, वेरी गुड. तो यहाँ पे ये आपको एक्स जैसा दिखता है ना, तो इमेजिन कर लेना कि ये एक्स रेस्ट टू 1 है. इमेजिन देयर इज 1. चारों में से देर आर 2 इक्वेशंस जहां पे एक्स इक्वल टू 1 है, राइट? तो एक्स इक्वल टू 4ay स्क्वायर, वेरी गुड. तो ये आपका आ जाएगा एक्स इक्वल टू 4ay स्क्वायर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव. यहाँ पे एक्स इक्वल टू माइनस 4ay स्क्वायर, ओके?
अब ये जो दो बच गए, तो जो दो इक्वेशन बच गए वो दो ये है, ये उसमें से आपके पास एक आएगा, ये y पॉजिटिव है, यस, तो ये वाला आएगा y इक्वल टू 4ax2, और ये आएगा y इक्वल टू -4ax2। अब पूरे लाइफ टाइम याद रहेगा ये और काम में आएगा, 11th 12th में नहीं भी आया तो इंजीनियरिंग में आएगा, राइट। अब हमको क्यों करना है ये, सी द थिंग इज, बाकी सबको भूल जाओ, बाय बाय, आई डोंट नीड यू एज वेल। लेकिन ऐसा है कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन था वो ऐसा था कि नहीं था, गुड, तो एक एक्स स्क्वायर टर्म आना चाहिए था, यस, है क्या, यस, नेगेटिव है, यस, सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज आ गई, वो क्यों आया, क्योंकि हमारा जो मोशन है उसका वर्टेक्स, बाय द वे इसको बोलते हैं वर्टेक्स, हमारा जो पैराबोला आया है उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, उसका वर्टेक्स कहीं और है, दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ पैराबोला यू विल हैव y इक्वल टू अल्फा x माइनस बीटा x स्क्वायर। तो ये जो दूसरा टर्म है बीटा x स्क्वायर, ये आपको बता रहा है कि मोशन इज पैराबोलिक, पाथ इज पैराबोला, और जो पहला टर्म है ये आपको बता रहा है कि इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे नहीं है, वो कहीं और है, तो दैट दिस मोशन इज नथिंग बट पैराबोला, गुड। मैं वापस रिपीट करूंगा, डोंट वरी, सिर्फ अफकोर्स इतना डिटेल बताने की जरूरत नहीं थी, मैं बुक में बोल सकता था, मैं लिख के, जैसे बुक में लिखा हुआ है, वी नो दैट दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, डन, खत्म, कैसे आया पता होना चाहिए। सो अब मैं लिख सकता हूं क्योंकि मैंने बता दिया, सो दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इट्स वर्टेक्स, इनवर्टेड तो है ही, विथ इट्स वर्टेक्स नॉट एट ओरिजिन। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो मोशन है, कौन सा, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये कौन सा मोशन है, पैराबोलिक, तो उसका इक्वेशन आएगा पैराबोला का, राइट, गुड। तो आई विल रिपीट दिस डेरिवेशन वंस अगेन, जो कुछ हमने किया है अभी तक आई विल रिपीट वेरी क्विकली। तो आई होप ये सब आपको समझा है कि वेलोसिटी कम होते जा रहा है, वेलोसिटी का कंपोनेंट छोटा होता जाएगा, बी पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, आगे जाओगे तो वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ने लगेगा वेलोसिटी का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जब लैंडिंग हो गया ग्राउंड पे आ गया तो वर्टिकल कंपोनेंट विल बी अगेन यू साइन थीटा विद अ नेगेटिव साइन, दिस इज ऑल यू नीड टू नो। हमको चाहिए था इक्वेशन ऑफ वाई एंड एक्स, जो अल्टीमेटली हमने वाई और एक्स का इक्वेशन डिराइव कर दिया। ये इक्वेशन सिर्फ कंपैरिजन के लिए है, बताने के लिए है कि ये सर्कुलर मोशन है कि इलिप्टिकल है कि हाइपरबोलिक है कि स्ट्रेट लाइन है या फिर पैराबोलिक है। तो ये फॉर्म, अल्फा बीटा फॉर्म आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला, हाँ यहां तक आपको आना चाहिए, एक्स टाइम थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब कुछ नहीं है, थ्री स्टेप सॉल्यूशन है। नंबर वन S इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर पता होना चाहिए, और उसमें आपको इसके दो दो कंपोनेंट्स कर लेने, आप बोलोगे एस एक्स यू एक्स एक्स एस वाई यू वाई एंड ए वाई, लेकिन क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो है नहीं क्योंकि फोर्स था नहीं, तो ये टर्म वहां से गायब होगी, और एस एक्स मतलब x, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x इज x, यू एक्स इज यू कॉस थीटा, एस एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट है, कहां पे है, अलोंग x, तो एस एक्स बोलूंगा या x बोलूंगा क्या फर्क पड़ता है, नाम तो नाम है, ओके, इनटू t, यहां से मिल गया t इक्वल टू x अपॉन u कॉस थीटा, ये हो गया आपका स्टेप नंबर वन खत्म। स्टेप नंबर टू, तो याद रखना, स्टेप नंबर वन मतलब फाइंड आउट व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस,
इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू u cos थीटा t, तो t इज x अपॉन u cos थीटा. सो दिस इज स्टेप नंबर वन, वी आर डन. स्टेप नंबर टू इज दिस, वॉट इज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अलॉन्ग y एक्सिस. तो y इक्वल टू u y इज u sin थीटा t माइनस, क्योंकि ए वाई आएगा माइनस g, माइनस क्यू आएगा बिकॉज ऑब्जेक्ट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी. वेरी गुड गुड. हाफ जी टी स्क्वायर. स्टेप नंबर थ्री, टी की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन वन की वैल्यू इक्वेशन टू में सब्स्टिट्यूट करो. दिस इज स्टेप नंबर थ्री. पुट इक्वेशन नंबर वन इन इक्वेशन नंबर टू. वाई इक्वल टू यू साइन थीटा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 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 हाफ जी एक्स, ऑफकोर्स एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का वोल स्क्वायर आएगा. तो वो वोल स्क्वायर करो, यू जस्ट हैव सब्स्टिट्यूटेड टी. तो आपने सिर्फ यहां पर टी सब्स्टिट्यूट किया, डन. स्टेप वन डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स, स्टेप टू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई. स्टेप वन से जो मिला वो स्टेप टू में सब्स्टिट्यूट करोगे, यू गेट योर इक्वेशन. हो गया ये इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. तो ये आपको मिल गया, यू यू कैंसल हो गया, तो साइन अपॉन कॉस आ गया टैन. तो दिस इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू एक्स माइनस जी बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर. इसमें टैन थीटा को आपने बोला अल्फा, तो अल्फा एक्स माइनस इसको बोला बीटा, तो बीटा एक्स स्क्वायर. सो दिस इफ यू कंपेयर, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ इट्स वर्टेक्स नॉट एट ओरिजिन, राइट. तो तीन स्टेप में आप पूरा का पूरा इक्वेशन डिराइव कर सकते हो. गुड. पैराबोला के जो मैंने आपको इक्वेशन बताया वो याद नहीं भी हो तो डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता. इट वॉज जस्ट एन एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको आगे लगेगा, इसलिए मैंने बता दिया कि ऐसा और ऐसा, ये जो दो कर्व होते हैं वो एक्स रेस टू वन, मतलब एक्स इक्वल टू फोर ए वाई स्क्वायर और माइनस फोर ए वाई स्क्वायर, और जो ऊपर और नीचे दे आर वाई इक्वल टू फोर ए एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स स्क्वायर, राइट. तो ठीक, वो पता हो नहीं पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, डजेंट मैटर एट ऑल. तो वेरी सिंपल डेरिवेशन, डरने का कुछ काम नहीं है, तीन स्टेप प्रोसेस है. एंड ऑफ कोर्स, तो थोड़ा सा मैं पहले स्पेस बना लेता हूं फिर बताता हूं. सो विथ इट्स वर्टेक्स नॉट एट ओरिजिन, ओके. ऑफ कोर्स फिजिक्स को पढ़ने का तरीका अलग होता है. पहला कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से पढ़ो. समझा है क्या? यस, तो गो अहेड विथ डिराइविंग. नो, तो वापस पढ़ो. देन नंबर टू, मेक अ ब्रेन मैप. हाँ, ऐसा फिर वो फिर वो, वही हमने किया. थ्री स्टेप अलोंग एक्स, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, एक इक्वेशन मिल गया, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई दूसरा मिल गया, पहले स्टेप से जो मिला वो सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर दिया, डन. तो पूरे दो साल के फिजिक्स में ऐसे ट्रिक्स आपको लगने वाले हैं. गुड. तो आई होप कि यहां तक क्लियर. नाउ आई विल टेक वन मोर टॉपिक, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट. व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट? तो ऐसा है, एज यू नो, कि जब ये प्रोजेक्टाइल अपने पाथ में ऊपर जा रहा था, फिर वो एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचा जिसको हमने बोला था बी, और यहां पे क्या हुआ, बी पॉइंट पे वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो गया जीरो, एक्स कंपोनेंट पे कोई फर्क पड़ा नहीं. तो ओरिजिन से मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट. द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ एसेंट. सो द टाइम टेकन by the projectile to reach maximum height
फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन इज नोन एज टाइम ऑफ एसेंट. एसेंट मतलब असेंडिंग, ऊपर जाना, एसेंट. ओके, डिसेंट मतलब डिसेंडिंग, कमिंग डाउन, वो बाद में देखेंगे. गुड. अब जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसी से ये इक्वेशन, टाइम का इक्वेशन आप बना सकते हो. बाय द वे, इसको डिनोट करने के लिए हम बोलते हैं टी सफिक्स ए, टाइम ऑफ असेंट. वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव उतना ही यूज करना है. क्या क्या इंफॉर्मेशन है? मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी कितना? जीरो. हाँ, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जीरो था क्या? नहीं था. इनिशियल वेलोसिटी कितना था? यू साइन थीटा. तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई वॉज यू साइन थीटा. मतलब यू वाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई वॉज यू साइन थीटा एंड फाइनल वेलोसिटी इज जीरो. गुड. ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम को रिलेट करता हो? आपने अभी दो लेक्चर पहले डिराइव किया, आज तो सुबह डिराइव किया. Which is the equation which has final velocity v, initial u and time t? V equal to u plus at. Very good. Ho gaya kaam. Using v equal to u plus at. Right. Ab hum log apply karenge x y direction pe. Using v equal to u plus at along y. Along y-axis. क्यों along y-axis? Maximum height मतलब along y-axis. Maximum vertical distance है वो. और वहाँ पे vy zero है. Vx नहीं. Vx क्या आएगा? Ux. और Ux क्या था? U cos theta. Vx मतलब final velocity along x will be equal to Ux. क्यों Ux? Change ही नहीं हो रहा है ना. तो यहाँ पे final velocity along x is equal to initial velocity along x. तो with time x component is not changing. तो यहाँ पे vx equal to ux, इसलिए मैंने क्या लिखा? u cos theta, right? Change क्या हो रहा है? y component, velocity along y was decreasing. तो using v equal to u plus at along y axis, therefore vy equal to uy plus ayt. But at maximum height आपको पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए? vy equal to 0. Also, extra information you have uy. What is uy? U sin theta. And what else you know is ay equal to minus g. अब ये vy, uy और ay की वैल्यू इक्वेशन नंबर जो भी है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो. सो देयरफोर, हाँ अभी इसको बाद में देखेंगे. ओके, देयरफोर यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन इन इक्वेशन 1, तो vy क्या आएगा? 0, 0. uy क्या आएगा? u sin theta. और ay क्या आएगा? माइनस g. और यहां पे आएगा t. तो आपको मिल जाए, हाँ, लेकिन टी कौन सा? टी ए, क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट. वेरी गुड. जी टी ए इक्वल टू यू साइन थीटा, देयरफॉर टी ए इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी. आपका पास बन गया ये इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ एसेंट. अब एक बार वेरीफाई कर लेते हैं सही है कि नहीं. डायमेंशनल एनालिसिस. U मतलब स्पीड, velocity is मीटर पर सेकेंड. साइन थीटा इज अ नंबर कॉन्स्टेंट. अपॉन g इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कैंसल. 1/1 सेकेंड मतलब ऊपर जाके आएगा सेकेंड. और सेकेंड मतलब आपका है ये. तो टाइम का करेक्ट डायमेंशन आ गए, दैट इज वाई, राइट. So equation 2 gives time of ascent. So it gives you time of ascent, t suffix a. So this is how you can find out time of ascent. Ab time of flight kya hota hai, we will introduce in the next session, and we will also derive equations
equation for time of flight in the next session. Okay, so that's it for today.